Hello, check one. Hello, hello, check this. Hello, hello, check one. चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। सारे ले लो एक साथ। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बस हो गया जी, अब नहीं हो गया मेरे को। मैडम जी, आज सुरेंद्र सिंह की जयंती है, तो किस प्रकार से उनको याद किया जा रहा है? सुरेंद्र सिंह जी आज 77 इयर्स के हो जाते, और आज मैं तो समझती हूँ अगर वो आज यहाँ होते तो उनका भी दिल बड़ा दुखी मन ज़रूर होता, जो हालात जो हैं पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। तो वैसे आप जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो शख्सियत थी, एक बहुत ही सरल, बहुत ईमानदार, बहुत ही बिल्कुल साफ छवि के आदमी थे, बहुत कर्मठ, बहुत ही काम करने वाले, युवाओं को प्रेरणा स्रोत थे। और अपने पिताजी चौधरी बंसीलाल जी के पूरी तरह से वो अनुयायी थे, कि जिस तरह से पिता ने कहा उससे आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम करा। ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, काम ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के साथ लग के करा, जिसका नतीजा आज पूरे हरियाणा के अंदर जो है जग जाहिर है कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा की बुनियाद ही नहीं रखी, हरियाणा को उस रास्ते के ऊपर चलाया जहां पर जो है हरियाणा अग्रणी राज्यों में से रहे। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की उसमें बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि सारथी के रूप में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने काम करा, और सुरेंद्र सिंह जी हमेशा कार्यकर्ताओं का जो है वो जो मान सम्मान प्यार जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को भरपूर मिला। और वो बहुत ही खिलाड़ी, ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, क्रिकेट के भी खिलाड़ी थे, अपने बच्चों के साथ और दूसरों के साथ हर तरीके से जो है नौजवानों को जो है बहुत प्रोत्साहित करते थे खेलों के लिए भी। और बाकी जितने भी काम हैं आप जानते हैं, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी होते तो बात ही और कुछ होनी थी। और सारी जगह पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक, उनके प्रेमी जो हैं, उनके चाहने वाले फैले हुए हैं। और जिसका नतीजा आज ये है कि जो मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ किरण कार्यकर्ताओं के द्वार, पूरे ज़िले वाइज जो मैं जा रही हूँ, हर ज़िले के अंदर जो है वहाँ पर जो है 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठा जुड़ के आता है, जब आज कुछ भी नहीं है। और उनके चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के आज चले ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोग जो साथ जुड़े हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि किस तरह की शख्सियत चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे, किस तरह की प्रेरणा स्रोत थे वो लोगों के लिए। और ये जो है किस तरह से आज भी उनके बारे में जब सोचते हैं उनके कार्यकर्ता जो छोटे छोटे उनके साथ लगे थे, आज बड़े हो गए हैं, जो बुज़ुर्ग जो आज जो बड़े हो गए हैं, आंखों के अंदर आंसू छलकते हैं, तो अब स्पष्ट है कि बहुत ही लोगों के चहेता थे, बहुत ही लोग उनको चाहते थे।
और उनके आकस्मिक निधन के बाद बहुत क्षति जो है बहुत सारे लोगों को पहुंची। मैडम जी, क्या मानते हैं कि आज सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल जी जिन्होंने हरियाणा का विकास किया, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, आज उसी परिवार को जो है एक तरह से कांग्रेस बाहर करने को आतुर है? एक लॉबी बनाई जा रही है। कांग्रेस की बात मत करिए, कांग्रेस आतुर है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ जो खुद कांग्रेस ही पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस ही तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस ही हैं। कुछ लोग जिन्होंने जो टिका टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियाँ करेंगे, जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है, और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो। जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग, और थोड़ा ना कोई पड़ता है, किसी और के पीछे नहीं पड़ रहा कोई। बुद्धिमान ने कुछ टिप्पणी की थी मैम, अब उन्होंने वापस ले ली, क्या मानते हैं जिन्होंने उन पर किसी ने प्रेशर डाला था या वो अपने आप? अब मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, आप जानते हो मेरी जो है हमेशा से मैं बहुत मान मर्यादा के अंदर हमेशा रही हूँ और मान मर्यादा के अंदर रहकर काम करती हूँ, लेकिन मान सम्मान अगर मिलता है तो आगे बढ़ती हूँ, नहीं मान सम्मान मिलेगा तो फिर आप जानते हो फिर हम उनमें से है नहीं कि किसी के पीछे पीछे लगू बने। हमने यहाँ पे लड़ाई किसके लिए लड़नी है? मैं कोई अपने लिए लड़ाई थोड़ा लड़ रही हूँ, लड़ाई मैं लड़ रही हूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हरियाणा के उन लोगों के लिए जो आप जिनके बेचारों के काम नहीं हुए हैं, जो पीछे बैठ गए चले गए हैं, जिनको जो है संगठन के अंदर जो है जिनको जगह नहीं दी जाती है। तो ये जो सालों सालों से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपेक्षित उनको करा गया है, उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मुझे किरण चौधरी को निजी तौर पर कुछ नहीं चाहिए। तो मैडम काफ़ी चर्चाएं कि मैडम कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? भैया चर्चाएं जो हैं, चर्चाएं मैं बता रही हूँ ना, चर्चाएं गर्म करने वाले हमारे खुद के पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं जो इस तरह की चर्चाएँ चलाते हैं। कार्यक्रम के बाद कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? किरण चौधरी के समर्थक आज या चौधरी सुनील सिंह जी के समर्थक जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हो? नहीं, कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं? कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक लोगों के थोड़ा सा दिमाग में ये भी कुछ था कई लोगों के कि भाई भिवानी तक सीमित हैं, तो ये भी उनको पता चल जाएगा कि भिवानी तक सीमित नहीं है भैया, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे लोग फैले हुए हैं और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकला। और ये देखिए, आज स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है और मैं तो उनके साथ लॉ में भी पढ़ा, हॉस्टल में इकट्ठे रहे, वो तो बहुत बड़े नेता थे, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, ईमानदार, और उनकी छवि अगर आज वो होते तो पता नहीं क्या होता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग किरण चौधरी की शख्सियत के मुतल्लिक जो कोई टिप्पणी करता है वो अपने आप को छोटा करता है। किरण चौधरी 5 बार की तो MLA है, 35 साल पहले डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा की रही है, और चौधरी बंसी लाल जो आर्किटेक्ट थे इस हरियाणा के, और सबसे मैं अगर किसी को मानता हूँ तो वो चौधरी बंसी लाल जी, जिन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। अगर SYL के ऊपर किसी ने दबाव डाल के अगर उनको मजबूर किया पंजाब को, तो उनका नाम भी चौधरी बंसी लाल जी था। तो उनकी पुत्रवधु हैं, तो अभी 6-7 रैलियां करके आई हैं जगह जगह के ऊपर, और हर जगह के ऊपर हजारों हजारों की संख्या में लोग आए हैं। तो इसलिए मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह, मैंने इनको कहा रात को तो मुझे सपने में नज़र आए, मैं उठ के बैठ गया और मैंने कहा नहीं चल तू, मैंने कपड़े डाल लिए, मैंने कहा भिवानी चलूँगा, उनको फूल अर्पित करके। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि उनके कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे और उन्हीं की राह पे चलते रहेंगे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते रहेंगे। तो यही बात मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। सर, सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल इतनी बड़ी शख्सियत थे, लेकिन आज क्या कारण है कि कुछ पार्टी के कुछ नेता उनको दबाने के, उनके परिवार को दबाने में लगे हुए हैं? देखिए, इसमें मैं उनकी सोच से अलग हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यही कांग्रेस पार्टी है,
इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पहले सीएलपी के लीडर किरण चौधरी थी, और सीएलपी का लीडर वही होता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सीनियर मोस्ट आदमी होता है, तो किरण चौधरी थी। किरण चौधरी कोई आम शख्सियत नहीं है, आप इनकी शैली देखो, ये हमेशा पॉजिटिव बात करती है, इन्होंने कभी भी पीसीसी प्रेसिडेंट के मुतालिक भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये एक दुर्भाग्य मान लो, लेकिन वो कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो सब कुछ वापस आ जाता है। तो आज उदय भांजी का रस्ते में अखबार में मैं बयान पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा, आने वाले टाइम में कांग्रेस एक होकर चलेगी और इस प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ जन जन में लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और किरण चौधरी ऐसे ही चमचमाती रहेंगी जैसे आज आप उनको देख रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ रही है और हरियाणा में स्थिति इससे विपरीत है, इसकी वजह क्या मानते हैं? मैंने पहले भी बयान दिया है कि आदमपुर के अंदर लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं दिया, लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो तो श्रद्धा सुमन पेश किए हैं चौधरी भजनलाल जी को, उनके कामों को, वो दुख सुख में जाया करते थे, लोगों से उनका मेल मिलाप था। तो इसलिए आप ये समझ के चलो कि आने वाले टाइम में हर मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी फेल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे किसानों का हो, तो आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस एकजुट होकर चलेगी और सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी। ये बात उदय भान ने जो टिप्पणी की थी वो वापस लिए, तो क्या मानते हैं उनके खुद के विचार थे या किसी ने कहलवाए थे? देखो उदय भान जी ने पहले जो टिप्पणी की थी मैं समझता हूँ वो भी उन्होंने ठीक नहीं दी, एक जो अब उन्होंने वापस की है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको हो सकता है के सद्बुद्धि आ गई हो, उनका विवेक उनको ये बात कहता हो, और मैं तो अगर किसी को पता ना हो, मैडम तो गाड़ी लैंग्वेज में बात करती हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि उदय भान जी के लिए अगर सबसे पहले अगर मैडम सोनिया को इनको सबको कह के आई थी कि ये किसी और का नाम था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं उदय भान जी ठीक रहेंगे, तो इसलिए सद्बुद्धि आ गई, अच्छी बात है, इट्स गुड, और कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, धन्यवाद। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह 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 अमर रहे, सचिन अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, शाबाश, लगे रहो, वेरी नाइस। हां ओ और को प्रोग्राम खोली।